अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। ये हमारी कंटिन्यू सीरीज़ का 8 नंबर वीडियो है, कस्टम सब असम्बली विद शोल्डर फॉर MLM डाटा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इनको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक का काम हमने कर लिया था, लास्ट हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असेंबली क्रिएशन का है। असेंबली ऑलरेडी जो मैंने सब असेंबली कंपोजर में बनाई है, मैं उसी से क्रिएट करूँगा। ये असेंबली हम इस सीरीज के आखिर में सब असेंबली कंपोजर में भी बना के देखेंगे कि ये कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सिंगल कैरेजवे में असम्बली विद शोल्डर है। तो मैं यहाँ पे असम्बली मार्कर लेता हूँ। ओके, सिंगल कैरेज में। ओके, यहाँ पे मेरे पास कोड से स्टाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, और मैं इसको जस्ट ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बेसिक लिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने टाइप में अदर लिया है इसको। ओके, यहाँ पे मैंने इसको फाइल में क्लिक किया, मॉडल स्पेस में। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास दो असेंबली हैं, एक लेन के लिए है और एक शोल्डर के लिए। तो पहले मैं जो है वो लेन को बनाता हूँ यहाँ पे, राइट, और ये मैं मार्कर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया है, यहाँ पे जो है मेरी लेन की जो असेंबली है वो बन के आ गई है। ठीक है, मैं इसका व्यू जो है वो सिंगल में ही कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बार बार जूम इन जूम आउट की ज़रूरत पेश ना आए हमें। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी लेन बन गई है, यहाँ पे मैं शोल्डर भी बना लेता हूँ। ओके, राइट है, राइट है। ओके, असेंबली प्रॉपर्टी। ओके, ये लेन राइट है। ओके, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है मेरे पास 3.65 है, मैं यही रख रहा हूँ। सुपर एलिवेशन ऑलरेडी हमने अलाइनमेंट पे अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे जो लेन की सुपर एलिवेशन आपने सेलेक्ट करनी है लेन राइट आउटसाइड लेन। ओके, और यहाँ पे अनसपोर्टेड की जगह आपने सपोर्टेड सेलेक्ट करना है। ओके, इसकी जो स्लोप है वो -2 है और इसकी जो थिकनेस है असफाल्टिक वेरी कोर्स की 0.05 है। और यहाँ पे ABC की जो थिकनेस है 80 mm है, बेस जो है वो 250 mm है और सब बेस जो है वो 300 mm है। मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी हमने अपने शोल्डर की सेटिंग करनी है। ओके, 3.65 की जगह हमने 2 मीटर रखना है और यहाँ पे हमारी जो सुपर एलिवेशन होगी वो राइट आउटसाइड शोल्डर स्लोप है और यहाँ पे सपोर्टेड आएगा। ओके, और ये 4% ही रहेगा। साइड स्लोप 2:1 की है और यहाँ पे हमारे DS की थिकनेस 20 mm है। ओके, बाकी जो है वो सेम रहेगा अप्लाई। तो यहाँ पे हमारी राइट साइड की जो असेंबली है वो बन गई है। ठीक है, और हमारे जो कोड हैं वो भी आ गए हैं। एक कोड इसमें अभी नहीं आ रहा है जो इस लेन के एंड का है। तो यहाँ पे आपने असेंबली को सिलेक्ट करना है, कोड में जाना है, पॉइंट इडट पॉइंट, और यहाँ पे ETW का जो कोड है ओके वो आपने इसको असाइन कर देना है। ये ETW का कोड है, पहले हमारे पास नहीं था, अभी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ओके, ओके, अप्लाई। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये भी है, हमारा लेबल आ गया है। ठीक है, अभी इसमें हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है डे लाइट। तो डे लाइट की जगह मैं जनरल लिंक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। डन रख। लिंक स्लोप टू सरफेस। ओके, स्लोप मैंने इसको 50% रखा है। ओके सॉरी, -50। ओके, अभी अगर ये स्लोप आपने रेशो में करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। कोर्स लिंक, इसको हम बाद में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी इसको मैं मिरर करता हूँ। ओके मिरर। ओके, अभी इसको मैं जो है रीनेम कर देता हूँ, ये लेफ्ट आ गए। ओके, यहाँ पे इसकी जो सुपर एलिवेशन है वो लेफ्ट लेन की हमने असाइन करनी है, लेफ्ट लेन, लेफ्ट आउटसाइड लेन स्लोप। ओके, उसके बाद ये है शोल्डर लेफ्ट, और इसकी सुपर एलिवेशन जो है वो लेफ्ट शोल्डर की सुपर एलिवेशन होगी। अप्लाई। ओके, तो असेंबली हमारी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करके देखेंगे और इसमें मज़ीद जो है वो वर्किंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।